नमस्कार पायनियर, देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। पेट्रोल डीजल की दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर आज की बात करें तो पेट्रोल के दाम 95.59 रुपये प्रति लीटर हो चुका है। वहीं डीजल की बात करें तो 89.15 रुपये प्रति लीटर हो चुका है। लगातार बढ़ती दामों से लोगों को, आमजन को बहुत सारी समस्याएँ हो रही है। जहाँ एक तरफ कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी, लोग अपने काम धंधे की तरफ रुख करने लगे, तो वहीं पेट्रोल डीजल की मार लोगों को मार रही है। हम जानेंगे कि किस तरीके से लोगों को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर किस तरीके की जो परेशानियां हैं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। जो हमारी सरकार कर रही है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा तो देश में लोगों को और भी सुविधा मिली है। दाम तो हर चीज का बढ़ा है, लेकिन किसी न किसी गरीब भाइयों को कोरोना काल में राशन पहुँचा है, दूसरी सामग्री पहुँची है, उसका जो है उनको प्लस पॉइंट गवर्नमेंट का दिखाना चाहिए। पढ़ाई नहीं करूँगा, जो चीज़ सही है उसको सही बोला जाएगा। हमारी जो दूसरी पार्टियाँ थी उनके राज में भी पेट्रोल का दाम हमेशा बढ़ता ही था, कम नहीं होता था कभी भी। आज अगर दूसरी सरकार होती तो भी पेट्रोल का दाम शायद यही होता जो अब चल रहा है, या इससे 10-20 रुपये प्लस होता, माइनस ना होता। तो आज अगर दाम बढ़ा किसी मजबूरी की वजह से, तो कल को यही सरकार होगी जो थोड़ा बहुत दाम गिराएगी। मैम बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे अगर 2-2.5 हज़ार का बजट होता था, अब वो कम से कम 3.5 हज़ार रुपये। इस वजह से रसोई का बजट ही बिगड़ चुका है और जो एक्सपेंसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हमको। जहाँ माइलेज अगर 1 लीटर में 35 किलोमीटर चलती थी, वो 25-30 हो चुका है, तो इसका असर घरेलू खर्चों पे भी पड़ रहा है, स्कूल की फीस पे भी पड़ रहा है, और बजट ये बहुत बिगड़ गया है। बहुत ज़्यादा चिंता है मिडिल क्लास के लिए, ये हम जैसे लोगों के लिए। आपने पेट्रोल भरवाया है, कितने रुपये का पेट्रोल भरवाया है? 200 रुपये का। लगातार पेट्रोल में बढ़ोतरी हो रही है, क्या किस तरीके की परेशानियाँ रोजमर्रा? मैम परेशानियाँ तो बहुत ही होती हैं, क्या क्या बताएंगे। तो जैसा कि आपने सुना, जो यहाँ पर लोग हैं पेट्रोल भरवाने के लिए आए हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उससे आम जन को काफ़ी समस्या हो रही है। जहाँ कोरोना की रफ्तार धीरे हुई, वहीं लोगों को अब बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से लगातार समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। साथ में कुछ लोग और भी हैं जो बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों से सहमत हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं से सरकार अपना जो मुनाफा है, खर्चा है, वो उससे निकलेगा। कैमरा पर्सन नमता के साथ संवाददाता कृष्णा पायनियर, हरियाणा।